नमस्कार। पिछले दिनों सचिन पायलट और उनके साथ 18 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों ने एक महीने से ज्यादा लंबे समय तक दिल्ली में डेरा डाल करके अशोक गहलोत सरकार की जड़ें हिला करके रख दी थी। अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर खतरा मंडराने लग गया था, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर सचिन पायलट कैंप ने कांग्रेस में वापसी कर ली और गहलोत सरकार को बचा लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले सोनिया गांधी से मिलकर के सचिन पायलट कैंप ने कुछ शर्तें कांग्रेस के सामने रखी। पहली शर्त ये थी कि सचिन पायलट खेमे के जितने भी बागी विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका मान सम्मान बनाया जाए, उनको मंत्रिमंडल, सरकार और संगठन में उचित जगह दी जाए। सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से भविष्य का मुख्यमंत्री प्रेजेंट किया जाए और इसके साथ ही गहलोत सरकार के कामकाज पर ध्यान रखने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। सोनिया गांधी की तरफ से इन सभी शर्तों को मानने के बाद हरी झंडी दे दी गई और उसके बाद तुरंत प्रभाव से सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी कर ली। 14 अगस्त को बहुमत परीक्षण हुआ, उस दौरान ध्वनि मत के जरिए बहुमत भी साबित हो गया, गहलोत सरकार बच गई। लेकिन अशोक गहलोत ने पायलट खेमे को विधानसभा भवन में पीछे की सीट पर बैठा करके एक बार फिर से पायलट कैंप में बगावत है वो शुरू कर दी। कुल मिलाकर के सोनिया गांधी ने भी 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जो अशोक गहलोत सरकार पर कड़ा ध्यान रखे। इसको लेकर के अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को समिति में जो शामिल किया गया है। लेकिन अब ये समिति एक तरह से पायलट के इशारे पर बड़े एक्शन ले रही है, जिससे अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखला गए हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट के समर्थन में उतरते हुए गहलोत को आदेश दिए कि जब भी सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में जाए तो उनके साथ डिप्टी सीएम की गद्दी वाला जो भी काफिला होता है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। अशोक गहलोत को आला कमान का वो आदेश मानना पड़ा और सचिन पायलट जब पहली बार टोंक गए तब उनके साथ डिप्टी सीएम के पद वाला सारा काफिला है वो शामिल था। 100 किलोमीटर तक गहलोत के समर्थकों की जो एक जगह जगह है वो भीड़ जुटी, उन्होंने सचिन पायलट का खूब समर्थन किया, उनका स्वागत किया। उसके बाद सोनिया गांधी द्वारा 3 सदस्य जो कमेटी बनाई गई है वो भी पायलट के इशारे पर गहलोत के कामकाज पर ध्यान रख रही है और एक तरह से सोनिया गांधी के इशारे पर कहीं ना कहीं जो ये 3 सदस्य की कमेटी है वो पायलट को प्रेजेंट करने में जुटी हुई है, जिससे अशोक गहलोत पूरी तरह से नाराज हो गए हैं। कांग्रेस के आला कमान यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से डिप्टी सीएम की गद्दी एक तरह से सचिन पायलट को वापस सौंपी जा रही थी, इसी से बौखलाए अशोक गहलोत ने राजस्थान में पंजाब और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर डिप्टी सीएम की गद्दी को खाली रखने का निर्णय ले लिया है। अब डिप्टी सीएम की गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। हालांकि ये फैसला सिर्फ अभी तक अशोक गहलोत का है, इस पर अंतिम मोहर सोनिया गांधी और 3 सदस्यीय कमेटी को लगानी है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की गद्दी राजस्थान से हटा दी गई है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत अब पूरी तरह से बौखला गए हैं और अब अशोक गहलोत के सभी विधायकों ने एक डिसीजन लिया है। एक बैठक इनकी अलग से हुई है जिसमें कहा गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जोर दे रही है और पायलट के पक्ष में ज्यादा चल रही है, उसके खिलाफ अब वो दिल्ली में डेरा डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब गहलोत कैंप के कई विधायक जिनमें से एक शांति धारीवाल भी शामिल हैं, वो अब दिल्ली में जाकर के कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पायलट का वजन है वो कम करे और अशोक गहलोत का वजन बढ़ाए, यानी कि उनकी पेट ज्यादा बढ़ाए गहलोत सरकार में। कुल मिलाकर के अब अशोक गहलोत के विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शांति धारीवाल सहित गहलोत कैंप के इन विधायकों के द्वारा इस कदम के बाद निश्चित है कि सचिन पायलट कैंप इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले भी सचिन पायलट कैंप को खूब बेइज्जती सहनी पड़ी है, एक तरह से विधानसभा में भी उनको पीछे बिठाया गया, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल भी नहीं सौंपे गए हैं। फिलहाल सचिन पायलट चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए ताकि आगे 5-6 महीने बाद में निकाय के चुनाव है, पंचायत निकाय के चुनाव से पहले पहले यदि मंत्रिमंडल विस्तार कर दिए जाए तो उनके जो बागी विधायक हैं और पायलट खेमे के जो विधायक हैं
वो कहीं ना कहीं खुश भी होंगे और उनमें एक निराशा भी जग रही है कि उनको मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं जो संतुष्टि होगी तो कंफर्म है निकाय चुनाव में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसी को ध्यान में रख करके सचिन पायलट फिलहाल भी दिल्ली में डेरा डाले हुए मौजूद हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट के इस रवैये से गहलोत कैंप के विधायक हैं वो नाराज हैं, और गहलोत कैंप के विधायक अब दिल्ली दरबार में यानी कि सोनिया के दरबार में जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अशोक गहलोत का दबाव बढ़ाए, ना कि सचिन पायलट का। पायलट को दरकिनार करने का काम अशोक गहलोत पहले से ही कर चुकी हैं राजस्थान कांग्रेस से। गहलोत एक तरह से पायलट का पत्ता कट करना चाहते हैं और अपने बेटे वैभव गहलोत को अगला राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब गहलोत कैंप के विधायक जैसे ही दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया के दरबार में डेरा डालेंगे, उसके बाद सचिन पायलट खेमे में फिर से नाराजगी बढ़ेगी। वैसे भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब से वापसी की है पायलट ने, तब से नजरें तक नहीं मिला पाए हैं। जहां अशोक गहलोत जाते हैं वहां पर पायलट नहीं पहुंचते, जहां पायलट पहुंचते हैं वहां अशोक गहलोत नहीं पहुंचते। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दौरान भी प्रदेश कार्यालय में यही देखा गया था, जब सचिन पायलट वहां पहुंच गए तो गहलोत ने अपना दौरा रद्द कर दिया, उन्होंने अपना रूट रद्द कर दिया, हालांकि पूरी तैयारियां थी। उसके बाद गोविंद डोटासरा को ये जो इंदिरा गांधी रसोई योजना के लिए इंतजार किया गया, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो पायलट कैंप को एक तरह से नाराज भी कर रहे हैं और अशोक गहलोत और पायलट के बीच में दरार को भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट समझ चुके हैं कि अब उनकी कांग्रेस में पेट नहीं रहने वाली है, गहलोत उनको टिकने नहीं देंगे, इसलिए सचिन पायलट कैंप ने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के शक्ति प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है, ताकि विधानसभा का चुनाव दोबारा लड़ा जा सके और उसे आसानी से जीता जा सके। एक तरह से जनता की सहानुभूति बटोरने का काम अब सचिन पायलट कैंप ने शुरू कर दिया है। गहलोत के विधायकों का जगह जगह विरोध भी हो रहा है, भरतपुर में भी कई विधायकों का जो विरोध हुआ, कुल मिलाकर के जनता अब पायलट के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दरार जो पड़ी हुई थी वो अब दिनों दिन बढ़ रही है, जिसका सही सही मतलब यही है कि गहलोत सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत रोकना चाहते हैं, निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ताकि आपस की जो दूरियां हैं वो खत्म हो सके और पायलट खेमे के जो विधायक जिनमें निराशा पैदा हो रही है उनकी निराशा को दूर किया जा सके और उनका साथ कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ बना रहे। ऐसे में अब सचिन पायलट भी चिंतित हैं अपने विधायकों के लिए, दूसरी तरफ गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल से दूर रखना चाहते हैं, और यही कारण रहा कि एक बार अजय माकन की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से एक बयान भी आ चुका था कि सोनिया गांधी के साथ किसी भी तरह की शर्त है वो पायलट की वापसी से पहले नहीं रखी गई थी, उन्होंने किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सचिन पायलट ने कुछ शर्तों के आधार पर ही कांग्रेस में वापसी की थी और इसको लेकर के वो खुद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बता भी चुके हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक बार दोबारा सियासी ड्रामा शुरू होने जा रहा है। जैसे ही अशोक गहलोत कैंप के विधायक पायलट कैंप के खिलाफ जो दिल्ली पहुंचेंगे, सोनिया के दरबार में पहुंचेंगे, उसके बाद पायलट खेमा भी कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगा। और फिलहाल सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद हैं, वहां पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार हो, ताकि उनका और उनके विधायकों का मान सम्मान है वो तय हो सके, वो बढ़ सके। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल संगठन और सरकार तीनों ही जगह जो पायलट खेमा है वो जगह चाहता है, और इसीलिए सचिन पायलट दिल्ली में फिलहाल 10 जनपद पर डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच में जो चल रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तक गहलोत के सीएम कुर्सी से संकट के बादल हैं वो अटे नहीं है, बल्कि अभी तक भी मंडरा रहे हैं। गहलोत सरकार की जड़ें हिलाने का काम पहले ही सचिन पायलट कर चुके हैं और सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से दूर रखने के लिए डिप्टी सीएम की गद्दी भी अशोक गहलोत फिलहाल हटा चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ही नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट वापसी करे, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करके सचिन पायलट कैंप ने सोनिया गांधी कांग्रेस और गहलोत सरकार को एक संदेश दे दिया है कि वो किसी भी हालात में अब गहलोत सरकार को गिराने की तैयारियों में जुट गए हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे के दौरान
बीजेपी में भी काफी राज खुलकर के सामने आए। वसुंधरा को अब दरकिनार करने का काम शुरू कर दिया गया है। वसुंधरा के स्पेस को कहीं ना कहीं जयपुर के राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी से वो स्पेस भरने का काम किया जा रहा है। घनश्याम तिवाड़ी की वापसी करवाई जा रही है, मनवेंद्र सिंह की वापसी करवाई जा रही है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वसुंधरा काफी नाराज चल रही है। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि परसों एक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई बीजेपी के, जिसमें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ भी शामिल थे, कटारिया जी भी शामिल थे, वसुंधरा भी शामिल थी। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी की वापसी को लेकर के जैसे चर्चा शुरू होती है, उसके बाद जो वसुंधरा देव सिंधिया है वो वहां से खड़ी होकर के निकल जाती है और एक तरह से अपने जो चेहरे पर कई तरह के तेवर लेकर के निकलती है। ऐसे में वसुंधरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब उन विधायकों को साथ ले रही है जो पहले चुनाव हार गए थे, उनको कहीं ना कहीं सतीश पूनिया के खिलाफ खड़ी करेगी। और यदि बीजेपी उनको टिकट देती है तो ठीक, वरना उनको निर्दलीय जो विधानसभा के चुनाव में वसुंधरा उतार सकती है, ये खबरें भी सामने आ रही है। यानी कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं राजस्थान बीजेपी में, और इसीलिए घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेता, इसके अलावा मानविंदर सिंह जैसे नेता या फिर अन्य भी जो बीजेपी से एक तरह से बागी हुए थे, उनकी वापसी करवाई जा रही है। वो भी अब कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मानविंदर सिंह और घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में वो नेता हैं जिनका मान सम्मान कांग्रेस में नहीं हो रहा है। एक तरह से उनको दरवाजे पर बैठा करके रखा हुआ है, घर के अंदर एंट्री उनको नहीं मिल रही है कांग्रेस में, और यही कारण है कि वो वापसी, अपने घर वापसी करना चाहते हैं। और वसुंधरा का पत्ता जिस तरह से बीजेपी ने काटना शुरू किया है, उसके बाद वसुंधरा निश्चित तौर पर यदि अपने विधायकों को, अपने उम्मीदवारों को, अपने हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है बीजेपी, तो उनको निर्दलीय विधानसभा के अगले चुनाव में उतारने का काम वसुंधरा करने वाली है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे में वसुंधरा की सारी करतूतें हैं वो खुल करके सामने आ चुकी है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे के दौरान यदि अशोक गहलोत के कैंप के विधायक 10 जनपद दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं, सोनिया से पायलट की शिकायत करते हैं और अशोक गहलोत का कद बढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या सचिन पायलट के विधायक बगावत दोबारा करेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।